हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड वेलकम टू लर्न मैथ्स विद निशा सिंह राठौर। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट ऑल द पोस्ट नोटिफिकेशंस। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड सॉल्वड टास्क 1 to 4 एंड प्रॉब्लम सेट 1। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व प्रॉब्लम सेट 2। Problem set 2 is, find out how much time has passed between the times shown by these two clocks. यहाँ आपको two clocks given हैं और इसमें आपको find करना है कि इन दोनों clocks के बीच में कितना time हुआ है. So, first, we will solve task, tripart. You can see in clock 1, the time is 10 o'clock. आप देख सकते हैं क्लॉक वन में टाइम कितना हुआ है, 10 o'clock हुआ है। कैसे हुआ है? दिस शॉर्ट हैंड रेड हैंड इज कोल्ड आर हैंड एंड दिस ब्लू हैंड इज कोल्ड मिनट हैंड। गॉट इट? तो यहाँ पे आपको जो शॉर्ट हैंड है, रेड कलर का जो हैंड है वो होता है आर हैंड, और जो ब्लू कलर का जो लॉन्ग हैंड देख रखा है वो उसे कहते हैं हम मिनट हैंड। तो टाइम आपका हुआ है इसमें क्लॉक वन में 10 o'clock, और इन सेकेंड क्लॉक यू कैन सी द टाइम, द टाइम इज़ 10:35। ओके, जो टाइम हुआ है वो 10:35 हुआ है। अब कैसे हुआ है? अब आपको देखना, ये जो आपको आर हैंड दे रखा है वो क्या है, 10 के जस्ट बाद में है लेकिन 11 से पहले है। इट मीन्स जो आर होगा वो 10 होगा और जो मिनट होगा वो क्या है, 35 है। ठीक है, 35 कैसे हुआ है यहाँ पे मिनट? आप जब काउंट करते हैं, जब आप मिनट्स को काउंट करते हैं तो आप देखना यहाँ 1 पे होता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब 7 पे क्या आ रहा है, 35 मिनट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ 5 का टेबल चलता है तो 7 पे आ रहा है 35। इट मीन्स जो टाइम हुआ है वो है 10 hours 35 minutes। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे इन दोनों टाइम के बीच में। तो आपको सेकंड क्लॉक का जो टाइम है वो लिखना है 10:35। ठीक है, 10 hours and 35 minutes, और फर्स्ट क्लॉक में जो टाइम है वो है 10 hours and 00 minute। ओके, नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइम्स। सो 5 minus 0 = 5 एंड 3 minus 0 = 3, 10 minus 10 = 00। इट मीन्स देयर इज नो आर। ठीक है, यहाँ पर कोई आर नहीं है और यहाँ पर ओनली मिनट दे रखा है आपको। तो जो कॉलन का जो साइन होता है, ठीक है, जो कॉलन का, ये कॉलन का साइन है, ठीक है, कॉलन के बाद में जो होता है वो होता है मिनट, और कॉलन के पहले आपको दिया होता है आर। सो द टाइम इज 35 मिनट्स। इन दोनों जो क्लॉक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है, 35 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लॉक 1, यू कैन सी इन क्लॉक 1 द टाइम इज 8:25, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, एंड इन क्लॉक 2 द टाइम इज 8:55। नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स। सो यू विल राइट 8:55 देन माइनस 8:25, 8 hours 55 minutes माइनस 8 hours 25 minutes। अब मिनट में से आपको मिनट को माइनस करना है और आर में से आपको आर को माइनस करना है। ओके, तो 55 minus 25 is 30 और 8 minus 8 = 0। इट मीन्स 30 minutes इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्लॉक 1 द टाइम इज 4 o'clock और इन सेकेंड क्लॉक द टाइम इज 10 o'clock। सो 10 minus 4 = 6 और 0 minus 0 = 0। तो यहाँ पे आपको कोई मिनट नहीं दे रखा था, यहाँ ओनली आपको आर दे रखे थे, तो आंसर होगा 6 hours, क्योंकि कॉलन का जो साइन है उससे पहले क्या होते हैं, आर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन क्लॉक 1 द टाइम इज 11:45 एंड इन क्लॉक 2 द टाइम इज 1 o'clock। अब जो 1 o'clock में से आपको 11:45 माइनस करना है, तो इसका ईजी मेथड ये है,
सबसे पहले आपको 11:45 है तो 12 o'clock होने में 12 बजने में यहाँ पर कितने मिनट बाकी होंगे कि 11:45 में आप कितने मिनट्स ऐड करेंगे कि 12 o'clock आ जाएगा। तो 45 में अगर 15 आप ऐड करते हो तो वो हो जाता है 60, और 60 मिनट्स किसके इक्वल होता है, 1 hour के इक्वल होता है। इट मीन्स अगर आप 11 hour दे रखे थे प्लस 1 hour कर दोगे तो 12 o'clock हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 15 मिनट्स ऐड किए कि आपका 12 o'clock आता है। देन नेक्स्ट आपको दे रखा है 1 o'clock आपका टाइम दे रखा था, ओके। तो यहाँ 12 बजे अपना जो बेस नंबर जो आप मानोगे वो 12 o'clock मानोगे, ठीक है। तो 12 बजे हैं यहाँ पे, तो 12 में 12 में आप कितना ऐड करोगे कि 1 o'clock आएगा। तो 12 में के बाद में 1 अगर लाना है तो कितने आर चाहिए होंगे, 1 hour चाहिए होंगे। सो द टाइम इज़ 1 hour 15 minutes। तो सबसे पहले हम आर लिखेंगे, 1 hour देन 15 minutes लिखेंगे। आगे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ वी विल डू अप्लाई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द टाइम इज 7 o'clock। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी आप याद रखना, जब 12 पर अगर आपका मिनट हैंड है, ठीक है, तो वो फिक्स टाइम होगा। और आर हैंड क्या दे रखा है, 7 पे दे रखा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 7 o'clock। जब 12 पे मिनट हैंड होगा तो हम मिनट के यहाँ पे 0:00 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हुआ 7 o'clock फर्स्ट क्लॉक में, और इन सेकंड क्लॉक द टाइम इज़ 7:30। अब 30 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो कहाँ है, 6 पर है, और 6 पर क्या होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। और जो आर हैंड है वो 7 के बाद में है, वो 8 से पहले आ रहा है, इट मीन 7 hours 30 minutes इज़ द करेक्ट टाइम। नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 clocks। सो फर्स्ट टाइम इज 7:30, 7 hours 30 minutes माइनस 7 hours 00 minutes। तो आप मिनट्स में से मिनट्स को माइनस करेंगे, 30 minus 00 = 30, और 7 minus 7 = 0। सो द करेक्ट आंसर इज 30 minutes। यानी यहाँ पे जो 2 clocks है इनके बीच में जो डिफरेंस होगा टाइम का वो कितना होगा, 30 minutes का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन फर्स्ट क्लॉक द टाइम इज़ 12:10। कैसे हुआ, क्योंकि आर हैंड जो है वो है 12 पर, और मिनट हैंड आपका दे रखा है 2 पर। तो 2 पर कितना आएगा, 10 मिनट्स आएगा। सो 12 hours 10 minutes इज़ द करेक्ट टाइम इन फर्स्ट क्लॉक। और इन सेकेंड क्लॉक द टाइम इज़ 12:55। अब 12 hours 55 minutes कैसे हुए, यहाँ पे 1 o'clock पर नहीं आया है। आप देख सकते हैं जो हैंड है वो 1 o'clock पर पूरा नहीं आया है, ये 12 के बाद है बट 1 से पहले है। इट मीन्स 12 hours होंगे, और मिनट हैंड जो आपका दे रखा है वो कितना दे रखा, कहाँ पे दे रखा है, 11 पर दे रखा है, और 11 पे आता है 55 minutes। सो द करेक्ट टाइम इज़ 12:55, ओके, 12 hours 55 minutes माइनस 12 hours 10 minutes। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 55 minus 10 = 45, और 12 minus 12 = 00। सो द करेक्ट आंसर इज 45 minutes। कॉलन के बाद में मिनट होगा, और कॉलन के पहले होता है आर। यहाँ पे 0:00 दे रखा है, कोई आर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई आर नहीं लिखेंगे। यहाँ ओनली मिनट दे रखा है, तो हम 45 minute ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन फर्स्ट क्लॉक द टाइम इज 12 o'clock। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो आर हैंड और मिनट हैंड है दोनों एक ही जगह पे 12 पर है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था आर हैंड है 12 पर, इट मीन्स 12 o'clock तो होगा ही, लेकिन मिनट हैंड भी अगर 12 पर होता है तो यहाँ पे मिनट के यहाँ पे आप 0:00 लिखते हैं, इट मीन्स द टाइम इज 12 o'clock। एंड इन सेकेंड क्लॉक द टाइम इज 6 o'clock। 6 o'clock कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 12 पर है वो मिनट हैंड है, और आर हैंड दे रखा है आपका 6 पर। तो यहाँ पे 6 hours 00 minutes होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी मिनट हैंड 12 पर होता है तो मिनट के यहाँ पे आपको 0:00 लिखना होता है, ओके। अब आप खुद भी देख सकते हैं, अगर कोई टाइम 12 o'clock हुआ है, जब ये राउंड करते हुए 6 पर आएगा तो कितने आवर्स का डिफरेंस होगा, 6 hours का ही होगा, 12 minus 6 = 6 hours। सो द करेक्ट आंसर इज 6 hours, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन क्लॉक 1 द टाइम इज
10:30। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो आर है, आर हैंड है, वो क्या है, 10 के बाद है, 11 से पहले है। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे, 6 पर है। जब भी मिनट हैंड 6 पर होता है तो 30 मिनट्स होते हैं, क्योंकि जब आप 5 का टेबल काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20, 25 and 30, तो 30 मिनट्स होगा और 10 आवर्स होगा। सो 10 आवर्स 30 मिनट्स इज़ द करेक्ट टाइम। इन सेकेंड क्लॉक द टाइम इज़ 11:15, क्योंकि यहाँ पे 3 पे आपको दे रखा है मिनट हैंड, तो 15 आएगा, तो 11 के बाद में आपको यहाँ पे आर हैंड दे रखा है। ओके, नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू क्लॉक्स। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा नया है, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट जो क्लॉक है यहाँ पे आपको 10:30 दे रखा है। इट मीन्स जब आप राउंड ऑफ करते हो, जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं 11 में, अभी 10:30 दे रखा है, जब आप कितना ऐड करोगे मिनट 10:30 में, मिनट्स कितने ऐड करोगे कि 11 ओ क्लॉक आता है, तब 10:30 में अगर आप 30 मिनट्स ऐड करते हैं तो 11 ओ क्लॉक आता है। और 11:15 दे रखा है यहाँ पे टाइम, यानी 11:15 दे रखा है, इट मींस 11:15 को अगर कन्वर्ट करेंगे 12 o'clock में तो कितना टाइम ऐड करोगे कि आपकी 12 o'clock हो जाएगा। हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम आपने ऐड किया, 45 मिनट्स ऐड किया कि यहाँ पे आता है 12 o'clock। ओके, अब आपको क्या करना है, जो 30 मिनट्स और 45 मिनट्स हमने राउंड ऑफ करने के लिए जो टाइम लिखा था उन दोनों को ऐड करना है। सो 30 + 45 = 75 मिनट्स। अब 75 मिनट्स होते हैं कितने, होते हैं 1 hour में कितने आते हैं, 60 मिनट्स आते हैं, यानी अगर आप 60 + 15 करते हैं, 60 + 15 करते हैं तो कितना आता है, 75 आता है, ये आपको पता है। यानी 60 मिनट्स है, उसको आप बोल सकते हैं 1 hour, क्योंकि 1 hour इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 hour 15 minutes। तो 75 मिनट ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं, 1 hour 15 minutes। एक क्वेश्चन नंबर 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 3 and 4, अप्लाई पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 फॉर होमवर्क। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल प्लीज़ टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, कीप सॉल्विंग, बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट नॉट टू लर्न बट टू सॉल्व। थैंक यू सो मच।